छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, नहीं रुक रहा हाथियों की मौत का सिलसिला। जी हां, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर फॉरेस्ट रेंज के सर्किल पंसारा बी कैलाशपुर में किसान साधराम की बाड़ी में लगे मक्का के खेत में एक नर हाथी की मौत हुई, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष बताई जा रही है। बीती रात में 11 हाथियों का दल कैलाशपुर जंगल में भ्रमण कर रहा था। हाथियों का दल भ्रमण करते करते जंगल किनारे साधराम की बाड़ी में लगा मक्का खाने चले गए। 10 हाथियों का दल मक्का बाड़ी से निकलकर जंगल में चला गया, लेकिन इसी दल का एक 13 वर्षीय हाथी रह गया। जब सुबह साधराम ने मृत हाथी को देखा तो इसकी सूचना रोजगार सहायक जसमनी को, जसमनी द्वारा वन अमले को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। 4 महीने के हाथी के बच्चे की हुई थी मौत। सप्ताह भर में 2 हाथियों की मौत 26-27 अगस्त के दरमियान मानपुर सर्किल के मानिकपुर के कक्ष क्रमांक RF 759 में नाला के पास 4 महीने उम्र के हाथी के बच्चे का शव मिला था। आपको बता दें, कुछ दिनों से क्षेत्र में 12 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें 5 मादा, 4 नर और 3 बच्चे शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हो सकता है मौत के कारणों का खुलासा। जानकारी मिलते ही मौके पर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर मेचिदो मुख्य संरक्षक वन प्राणी सरगुजा, वन मंडल अधिकारी लक्ष्मण सिंह पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से भी इस विषय पर चर्चा की, उन्हें वन्य प्राणियों से दूर रहने की समझाइश दी। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से भारत टीवी के लिए वीरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। एक्चुअली में अभी 3 डॉक्टरों के दल ने इसका पोस्टमार्टम किया है और हम लोग आसपास पूरा 1 किलोमीटर दूर पे पूरा चारों तरफ घूम के देखे हैं कि क्या साइनेज है, किससे इस प्रकार की हुई, तो कोई कंक्लूडिव तथ्य पे तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बॉडी के अंदर जो पोस्टमार्टम किए हैं डॉक्टर सिंह साहब वगैरह साथ में हैं, कि कंजेशन वगैरह अंदर दिख रहा है। कंजेशन के कारण कई होते हैं, एक कारण स्नेक वाइटिंग भी होती, क्योंकि इस तरफ कोबरा वगैरह भी पाए जाते हैं तो उसकी भी स्नेक वाइटिंग का एक कारण हो जाता है। लेकिन फिर भी अपन लोग इसके पूरे विसरल पूरे आर्गन को बिसरा कलेक्ट कर लिया है और कलेक्ट करके हम लोग इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेज रहे हैं। बरेली भेजने के बाद वहाँ की क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ तथ्यात्मक चीज़ अभी इस समय कह जा सकती है। सर, लगातार बलरामपुर ज़िले में हाथी का ये 10 दिन में अंतराल में लगभग दूसरा घटना है। सर, किस प्रकार से आपके विभाग के द्वारा निगरानी रखी जा रही है हाथियों पर? हाथी जहाँ तक विभाग के पास निगरानी की बात है, तो कल रात को 1:30 बजे मेरा स्टाफ मीटिंग, ये जो घर है इस घर के सामने जो है स्टाफ था, जो गांव वाले जा रहे थे भाग रहे, 2 लोग जिनके घर के पास मक्का पे आए थे, उन लोगों से उनकी चर्चा हुई रात को 1:30 बजे 2 बजे, तो स्टाफ लगातार इस तरफ हाथी का मूवमेंट था तो पता लगाए, और गांव वालों से रात के 2 बजे 2 लोगों ने भी आपके सामने पुष्टि की है कि उन लोगों से उनकी चर्चा हुई है। तो स्टाफ तो लगातार भ्रमण कर रहा है और इसीलिए हम लोगों के जानकारी प्राप्त हुई सुबह सुबह कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है, और चूँकि डॉक्टर साहब लोग भी साथ में हैं तो ऐसी कोई अभी कंक्लूडिव हम लोग उस तथ्य पर नहीं आए, नहीं तो जनरली कुछ ना कुछ रीजन पता जा सकता है कि चूँकि पोस्टमार्टम में पूरा आप लोगों ने देखा कि पूरे उसके ऑर्गन्स वगैरह को करने के बाद, PM करने के बाद, चूंकि उसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसलिए इस कंक्लूजन में आ रहे हैं, पर ये भी अंतिम कंक्लूजन नहीं है। जब बरेली के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भी हम सैंपल कलेक्ट करके भेज रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट आएगी तदनुसार ही हम लोग कुछ कहने की और इस तरह में रहेंगे। चलिए सर,